अगे बढ़ते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ तो है। चंडीगढ़ पुलिस ने जाली नोटां दे धंधे नाल जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जाली करंसी के नाल नाल इत्थों 2 किलो तो ज़्यादा अफीम भी बरामद की गई। यह रकम है 15 लाख रुपए की, पर इस एक भी नोट असली नहीं। असल इन्हां नकली नोटों का इस्तेमाल कुछ लोगों ने एक व्यापारी को पसंद के लिए किया सी, पर पुलिस की एंट्री के चलदिया मामले च यू टर्न आ गया। पुलिस ने इस केस में बीकानेर तो लवप्रीत कौर नाम की एक महिला गिरफ्तार किया है, जबकि एक रिटायर्ड इंस्पैक्टर वकील और व्यापारी भी इस साजिश में शामिल ने। मुलजम महिला ने भी 2.5 किलो अफीम की डिलीवरी की सी। उसकी गाड़ी को हमने ट्रैक किया तो उसकी गाड़ी में हमें ये चीज़ें मिली। जब उसकी फर्दर इंटेरोगेशन की तो वो पता चला कि वो इज एम्प्लॉय क्लर्क है, वो मिस्टर शेरगिल का यहाँ पे मोहाली में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काम करता है। जब हमने मिस्टर शेरगिल को यहाँ पे बुलाया तो उनके पास भी कोई कॉल आ रखी थी, जिसमें उनको ये बुलाया गया था कि ऐसे ऐसे करके हम आपके कोई जो आपके केसेस चल रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे, आप अपना एक बंदा भेजो जिसके हम वो फाइलें देंगे। उस वजह से उन्होंने फाइलों देने बंदा भेजा, तो वो उसको ये नहीं पता था कि इसमें क्या है। वो फाइलों में ही ऐसे बंद करके उसकी गाड़ी में रख दी थी, और जो रखने वाली वो लेडी थी उसको दी, जिसका हमने जो इसमें जिक्र आ। पुलिस के मुताबिक इस मामले से कुछ होर नाम भी सामने आ सकते हैं। फेक करंसी 1000 रुपए के नोटों को स्कैन करके तैयार की गई थी। इस मामले में कई होर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। चंडीगढ़ तो रविंदर सिंह, जी मीडिया। तो चंडीगढ़ पुलिस की इसमें एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, जाली करंसी फड़ी गई है ते नाल दी नाल अफीम भी काफी ज्यादा मात्रा में फड़ी गई है। बिल्कुल, ते इस दे नाल ही हुण अगे वधदे हां ते गल करदे हां पीएम मोदी दे दक्षिण अफ्रीका दे दौरे दी। केनिया तो पीएम मोदी ने पूरी दुनिया नू दहशतगर्दी तो आगाह किया है। पाकिस्तान ते उन्हां ने इस दौरान निशाना भी साध्या ते कहा कि हिंसा ते नफरत फैलाउण वाले वड्डा खतरा बने हुए ने। केनिया च अज पीएम मोदी का उपचारिक स्वागत किया गया, स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। केनिया के राष्ट्रपति के नाल पीएम मोदी ने आपसी संबंधों में मजबूती से चर्चा की, शानदार स्वागत के लिए आभार जताया। दुनिया के किसी देश ने, किसी देश के मुखिया ने उनके देश में जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक शिकायत तक मुझे नहीं की। ऐतवार को पीएम मोदी ने केनिया की राजधानी नैरोबी करीब 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कहा केनिया च मिनी हिंदुस्तान दिखता है। जाम्बो, नमस्कार। केम छो? सत श्री अकाल, नमस्कारम। पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे के पहले पड़ाव च भारत ने मोजाबिक दे नाल दाल खरीद समेत 3 समझौते किए। इस तो बाद पीएम मोदी दक्षिणी अफ्रीका पहुंचे। भारत और दक्षिणी अफ्रीका दरमियान आपसी कारोबार वधाउण समेत 6 अहम समझौते हुए। दक्षिणी अफ्रीकी देशों के दौरे के तीजे पड़ाव च अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे। दोवां देशों दरमियान सौर ऊर्जा से सहयोग वधाउण समेत 5 समझौतों से हस्ताक्षर किए गए। न्यूज रिपोर्ट, जीमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ा दर पड़ा अगे भी वधदे जा रहे ने, कई तरह के समझौते भी हो रहे ने, पर इस दौरान जो भगदा मुद्दा है अते सारी दुनिया दे लई जो एक बहुत वड्डा खतरा बन चुका है दहशतगर्दी, उस नू खत्म करन दी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलविंदर हर वारी कोशिश करदे ने कि उस मुद्दे ते और बने रहन अते उस नू खत्म करन दी पुरजोर कोशिश करदे। पूरी दुनिया इस दा हुण शिकार है, कोई देश नहीं कह सकदा कि वह दहशतगर्दी तो अछूते ने, ते भारत अपनी आवाज पूरी दुनिया विच सुना रहा सब नू कि असीं दहशतगर्दी दे खिलाफ, ते कोई भी देश जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहता है भारत उस दे नाल है।